भाजपा के राष्ट्रीय सचिव एवं हिमाचल के चुनाव प्रभारी तीरथ सिंह रावत ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान दावा किया कि पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी व अमित शाह की चुनावी जनसभाओं के बाद हिमाचल का परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 10 को मंडी और 13 को सोलन आएंगे, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 12 मई को बिलासपुर और नाहन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव एवं हिमाचल चुनाव प्रभारी तीरथ सिंह रावत ने दावा किया है कि पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी व अमित शाह की चुनावी जनसभाओं के बाद हिमाचल का परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा। प्रधानमंत्री 10 को मंडी और 13 को सोलन में आएंगे, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 12 मई को चंबा, बिलासपुर और नाहन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचेंगे। भाजपा के इन सभाओं के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पत्रकारों के साथ बिलासपुर में बातचीत करते हुए रावत ने कहा कि प्रदेश की चारों सीटें दोबारा से भाजपा को आएंगी, लेकिन इस बार जीत का प्रतिशत पिछले के मुकाबले काफी अधिक रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की रैलियों के बाद प्रदेश का चुनावी परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार देश की जनता ने दोबारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है और मोदी के अलावा लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अपने प्रधानमंत्री जी 10 तारीख को मंडी में आने वाले हैं, 13 तारीख को सोलन में होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी 12 तारीख को 3 सभाएं करेंगे, जो कि बिलासपुर में सभा होने वाली है, उसकी संपूर्ण तैयारियां हो गई हैं, सारी कमेटियां बन गई हैं, और उससे पहले चंबा में हैं, बाद में वो नाहन में होंगे। तो इस दृश्य से आज मैंने जब देखा तो बिलासपुर के अंदर कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, बैठक, बातचीत, तो पूरी तैयारी या रणनीति और क्या या अन्य व्यवस्थाएँ हो चुकी हैं, ऐसी प्रधानमंत्री जी बैठ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि हिमाचल की जनता ने मन बना लिया है, विशेषकर महिलाओं ने, नौजवानों ने मोदी को वोट देने का काम किया है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की जिस प्रकार का शहर काम करने की दृढ़ता है, जिस क्षेत्र में बने हुए हैं, तो खुद लगता है कि भारी। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद देश में पिछले 5 वर्षों में इतना अधिक कार्य कभी नहीं हुआ, जिसका अनुमान लगाना अभी कठिन है। उन्होंने कहा कि देश के 8 करोड़ लोगों को निशुल्क गैस कनेक्शन देकर उन्हें धुएं से मुक्ति दिलाई गई, 4.5 करोड़ लोगों को घर तक बिजली पहुंचाई गई, साथ ही 7.5 करोड़ शौचालय बनाए गए और आयुष्मान योजना के तहत करोड़ों का इलाज निशुल्क किया गया। उन्होंने कहा कि सैनिकों का सम्मान हुआ है और उसे नक्शे कदम पर हिमाचल की जयराम सरकार भी चल रही है। जनमंच कार्यक्रम से हिमाचल सरकार ने और पन्ना प्रमुख कार्यक्रमों से पार्टी ने आम जनता तक अपनी पहुंच बनाई है, जिसका निश्चित रूप से हिमाचल के चारों प्रत्याशियों को जबरदस्त लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की दृष्टि से संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं, वही नहीं तो पूरी तरह से चुनाव उसमें हम लोग हैं। पूरा हिमाचल के अंदर कई शहर हो गए हैं, गडकरी जी आ गए हैं, मुख्यमंत्री लगातार लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, हमारे वरिष्ठ नेता बने हुए हैं, और इसको देखते हुए लगता है कि हम लोग पूरी तरह चारों की चारों सीटें भारी बहुमत से जीत रहे हैं और देश के 400+ हो रहे हैं। हिमाचल के अंदर भी